हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनल और आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी। और ये रेसिपी जो है बहुत ही झटपट बन जाती है, जिसका नाम है प्रोटीन सैलेड। तो चलिए देख लेते हैं इस सैलेड को बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है ये स्प्राउटेड हरी मूंग, फिर मैंने ली है ये स्प्राउटेड काला चना, और फिर लिया है ये पीनट, जिसको कि मैंने रोस्ट कर लिया है तवा पे। मैंने कुछ भी ऑयल या घी नहीं यूज़ किया है, आप चाहो तो यूज़ भी कर सकते हो। एक मीडियम साइज़ टमाटर, जिसको कि मैंने चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज़ प्याज, जिसको कि मैंने अगेन चॉप कर लिया है। ये पनीर है, जिसकी क्वांटिटी है 100 to 200 ग्राम। और फिर लेमन लिया है टेस्ट के लिए, ये है चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। और 1 से 2 ग्रीन चिली, जिसको कि मैंने चॉप कर ली है। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो मैं इसमें डाल दूंगी ये हरी मूंग, स्प्राउटेड चना, पनीर, फिर बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, ग्रीन चिली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर रोस्टेड पीनट्स, और गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता, और ये है लेमन, जिसका कि मैंने सीड निकाल दिया है। फिर डालेंगे हम चाट मसाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये है काला नमक, और फिर मैं डाल रही हूँ ये ब्लैक पेपर। तो चलिए इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद हमारा ये हेल्दी प्रोटीन सैलेड जो है ये बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आप देख सकते हो हमारा ये हेल्दी प्रोटीन सैलेड जो है ये बनकर तैयार हो गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप इसे लंच के टाइम पे भी ले सकते हो, डिनर के टाइम पे भी ले सकते हो। सो फुल ऑफ प्रोटीन है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।